एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नेहा कुकिंग एंड ब्लॉग में। आज हम जा रहे हैं रक्षाबंधन की शॉपिंग करने के लिए। कल रक्षाबंधन है, हम राखी खरीदेंगे और भी बहुत सारे सामान, तो चलिए हमारे साथ आसनसोल। मेरी सिस्टर भी मेरे साथ जा रही है और हम लोग चलिए। अभी यहाँ से जाने के बाद हम टोटो लेंगे, टोटो से फिर हम चांदा पहुँच जाएंगे, उसके बाद वहाँ से बस लेके डायरेक्ट आसनसोल। तो वहाँ जाने में हमें कम से कम तो 45 मिनट्स तो लगेंगे। हम लोग टोटो में बैठ चुके हैं और हमारी सवारी चल चुकी है चांदा के लिए, उसके बाद हम बस पकड़ेंगे। हल्की हल्की बारिश हो रही है, इसी सुनिए आवाज में मैं आपको एक गाना सुनाना चाहती हूँ। बताएं आप लोग की कैसा लगा ये गाना और कमेंट जरूर करें। तो अभी हम लोग आसनसोल पहुंच चुके हैं। आपने मुंबई में जैसा फैशन स्ट्रीट देखा होगा, वैसा ही आसनसोल में ये हमारा फुटपाथ एरिया है। ये काफ़ी लंबा जाता है और कपड़े भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे होते हैं। आप कभी आओ आसनसोल तो यहाँ पे आप कपड़े ज़रूर ट्राई करना। बंगाल में खाना और कपड़ा बहुत ज़्यादा सस्ता है, तो आप इस तरह से आप आसनसोल बंगाल में कहीं पे भी घूमने आ सकते हैं। कपड़े और खाने बहुत ही यहाँ पे चीप में मिल जा सस्ते में मिल जाते हैं। और आप देख सकते हैं वहाँ पे लगा होगा मैक्सी 150-280 ऐसे करके रेट में मिल जाएंगे आपको सस्ती से सस्ती मैक्सी। ये देखिए राखियाँ दिखनी शुरू हो चुकी हैं, काफ़ी सारी अच्छी अच्छी राखियाँ दिख रही हैं। आगे चलकर और भी राखियाँ दिखेंगे हमें, अभी तो बस मार्केट की शुरुआत ही है। ये कितनी प्यारी प्यारी राखियाँ हैं। और मार्केट में बहुत भीड़ है, बारिश भी हो रही थी, लेकिन रक्षाबंधन के लिए इतनी ज़्यादा भीड़ थी, मार्केट में चलना मुश्किल हो रहा था। अभी हम पहुंच चुके हैं फल मंडी के पास में। यहाँ पे सारे सिर्फ फ्रूट्स ही मिलते हैं। ये जैसे ही मार्केट स्टार्ट होगा, सबसे पहले ये फ्रूट मंडी आती है, उसके बाद फिर आगे कपड़े की दुकान चलते, कपड़े की दुकान मिलते रहेंगे आपको, कपड़े राखी ज्वेलरी वगैरह के सारे के शॉप रहेंगे। यहाँ पे हमने कुछ राखियाँ देखी, पहले हमने सोचा कि हम गोलू के लिए कुछ राखियाँ ले लें, उसके तो गोलू को राखियाँ मैं और प्रीति ही बांधेंगे। तो फिर हमने सोचा कि चलो दो राखी लेते, पहले सोचा था मैं ही बांधूँगी, प्रीति ने बोला कि ठीक है मैं भी बांध दूँगी उसको। तो हमने राखियाँ देखनी शुरू की, बच्चों के लिए बहुत प्यारे प्यारे राखियाँ थी। ये देखो हम सिंचन की राखी देख रहे हैं, ये वाली हमें बहुत पसंद आ गई है, ये हम एक लेंगे। और मैं आपको और राखियाँ दिखाती हूँ, ये देखो पबजी वाली राखियाँ हैं और विनर चिकन डिनर की राखियाँ हैं, सुपरमैन स्पाइडरमैन सभी राखियाँ हैं इधर में। ये देखो बेंटेन की राखी, मिकी माउस की राखी और भी बहुत सारे बच्चों की राखी थे। और ये है भाभी राखी, बैंगल्स वगैरह।
तो वहाँ से हमने सिंचन की राखी ली। आगे चलकर हम देखते हैं, ये देखो ये जो राखी दिख रही है, मैं उसको फिर से, ये देखो गणपति जी की राखी, ये हमें पसंद आई। ये है भाई भाभी की राखी, एक भाई के लिए एक भाभी के लिए, और ये है छोटा भीम वाली राखी। ये देखो इधर में भी कई सारी राखियाँ हैं, डोरेमोन की, डोरेमोन, लिटिल गणेशा। मेरे चूड़ियों की शॉप, यहाँ फिर से पहुँच गए राखी। यहाँ पे हमें कुछ पसंद नहीं आया तो हमने यहाँ से कुछ, हमें यहाँ से कुछ लेना ही नहीं है। फिर से हम आगे बढ़ने लगे और देख सकते हैं कितनी अच्छी अच्छी कुर्ती वगैरह है यहाँ पे काफ़ी सस्ते दामों में। अभी हमारी शॉपिंग ख़त्म हो गई है और हम बस पे चढ़ रहे हैं। 3:30 बज चुके थे और हम 12 बजे घर से निकले थे। ये देखो मेरे पास कितनी सा बैग, कितना हैवी हो गया है। हमने बीच में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह भी बहुत सारे खरीद ली थी, तो सामान ज़्यादा हैवी होने के कारण हम ज़्यादा देर रुक नहीं पाए। प्रीति का भी बैग काफ़ी भारी हो गया था, मेरा थैला भी काफ़ी भारी हो गया था। और ये देखो बारिश होने हो रही थी बहुत ज़्यादा, हमें घर पहुँचने में बहुत परेशानी हुई। घर पहुँचने के बाद प्रीति ने मेरे हाथों में मेहंदी लगाया और मैं कुछ देर में रेस्ट कर ली। ठीक है, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।